अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऐसे टॉप 10 मेडिकल की फील्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना एडमिशन करा के अपने फ्यूचर को जो है सिक्योर बना सकते हैं। कौन कौन सी फील्ड हैं जो कि MBBS के अलावा और भी ऐसी फील्ड आप लोगों के पास लेके आया हूँ जहाँ पे एडमिशन करा के फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं। कैसी फील्ड है, क्या करना है, किस तरह से अपनी अप्लाई करनी है, आज हम इसके ऊपर डिटेल के साथ बताते हैं आप लोगों को। ऐसी फील्ड्स मैं आप लोगों को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जहाँ पे एडमिशन को सिक्योर बना सकते हैं और अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर बना सकते हैं। कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे अपने अभी भी एडमिशन करा के अपने फ्यूचर को जो है सिक्योर बना सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, लेट्स गो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे टॉप 10 मेडिकल फील्ड MBBS की आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, जॉब्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगी, आज हम इसके ऊपर डिटेल के साथ बताते हैं। नंबर फर्स्ट पे है BDS, नंबर सेकेंड पे है नर्सिंग, DVM, DPharmacy, DPT, BS कॉस्मेटोलॉजी, BS रेडियोलॉजी, MLT, BS डिटर्मेटोलॉजी, BS ऑप्टोमेट्री। ये टॉप 10 मेडिकल की फील्ड्स हैं जो कि MBBS के अलावा इनके भी रैंक्स हैं इन पाकिस्तान के अंदर और कहां कहां पे इनकी जॉब्स है, डिटेल के साथ देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे है BDS। BDS का मतलब है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की फॉलोइंग जॉब्स जो कि पाकिस्तान के अंदर है कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देयर आर 87 जॉब्स यहाँ पे है, डेंटिस्ट ऑफिसर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स, और इसके बाद हेल्थ केयर और सीनियर डेंटिस्ट एंड प्राइवेट। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट इसके अंदर जो जॉब जो है वो यहाँ पे BDS की यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम नर्सिंग की बात करते हैं, नर्सिंग पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा शोबा बन चुका है जो कि प्रीवियसली इनका अनाउंसमेंट हुआ था कि BS नर्सिंग को MBBS के बराबर जो है वो दर्जा दे दिया जाए और इक्विवेलेंट किया जाए और इसका स्केल भी BPS 17 किया जाए, BPS 16 था पहले, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया लेकिन अनाउंसमेंट तो हो चुकी है बल्कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बहुत जल्द से जल्द इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है नर्सिंग की धूम मची हुई है। और इसके शोबे कहाँ कहाँ पे हैं और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। स्टाफ नर्स, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, हेड नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, क्लिनिकल नर्स सुपरवाइजर और नर्सिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एज मच एंड मोर, इससे भी और ज़्यादा इसकी जॉब जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद थर्ड है DVM। DVM एक अच्छा शोबा है, MBBS से भी बहुत ज़्यादा अच्छा शोबा है। यहाँ पे लिखा गया है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी एंड मेडिसन, DVM का मतलब है। और इसके शोबे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, लाइफ स्टॉक है, डेयरी डिवेलपमेंट है, वाइल्ड लाइफ स्क्रैच है, जोलॉजिकल पार्ट्स है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट एनिमल है और पोल्ट्री डेयरी फार्म्स है, शीप्स एंड रैबिट्स फार्म के अंदर जो है ये काम कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे है DPharmacy। बहुत अच्छा शोबा है पाकिस्तान के अंदर और इसका शोबा इस तरह से अच्छा है कि और मीन्स के गवर्नमेंट जैसे एक MBBS डॉक्टर है 17 स्केल का, तो DPharm के बगैर जो है वो मेडिसिन नहीं लिख सकता जब तक कि वो DPharmacy का जो है बच्चा जो है या एज ए डॉक्टर जो है जो वो अप्रूव ना कर सके, ठीक है, उसको तब तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, ना ही वो मेडिसिन लिख सकता है। DPharmacy का अच्छा शोबा है। ये कहाँ कहाँ पे जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक हेल्थ सर्विस, आर्म्ड हेल्थ सर्विस, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, वर्क इन कॉलेज फैकल्टी एज ए रिसर्च के तौर पर ये जो है ये काम कर सकते हैं। इसके बाद DPT है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रोल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। स्पोर्ट ट्रेनर है, कस्टमर केयर है, थेरापी कंसल्ट है, रिहैबिलिटेशन है, वर्क एंड मेडिकल है और एजुकेशन एक्सपर्ट है, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है और प्राइवेट क्लिनिक के अंदर भी ये काम कर सकता है। इसके अलावा और भी अच्छे शोबे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ MBBS के अलावा और भी बहुत ज़्यादा शोबे हैं जहाँ पे आप लोगों को टॉप 10 में से ये मिलेगी। BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इसके अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं, टी स्कैनिंग, एक्स रेडियोग्राफिक, अल्ट्रासाउंड
और एंडोस्कोपी इलास्टोग्राफी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर होगा। बीएस रेडियोलॉजी भी एक अच्छा शोबा है पाकिस्तान के अंदर। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज इन मेडिकल न्यूक्लियर मेडिसिन डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट क्लिनिकल हॉस्पिटल रेडियोलॉजी लेबोरेटरीज एंड मेडिकल इमेजिंग इक्विवेलेंट। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और ये भी एक अच्छा शोबा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके बाद भी आप लोग इसकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, ओनर प्रैक्टिस, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे जॉब जो है वो अवेलेबल है और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो कर सकते हैं। बीएस डिटर्मेटोलॉजी, इसके भी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रिसर्च डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट प्रैक्टिस, मेडिकल लेबोरेटरीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये काम कर सकते हैं। बीएस ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री का मतलब होता है आईज कंटेक्ट वाली, आंखों वाली जो होती है, ऑप्टोमेट्री का मतलब ये होता है। द आई प्रॉब्लम आर इंक्रीज डे बाई डे, मॉडर्न प्रॉब्लम नीड टू मॉडर्न सोल्यूशन, देयर आर नीड टू एक्सपर्ट इन द मेडिकल ऑफ द फील्ड, दिस फील्ड प्रोवाइड ए गुड कैरियर फॉर द जॉब्स ऑफ द कैंडिडेट। ये भी एक अच्छा शोबा है क्योंकि इसके अंदर भी स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करके अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर बना सकते हैं। आज की ये वीडियो हमारे टॉप 10 मेडिकल फील्ड के ऊपर थी, जो कि एमबीबीएस से हट के और भी ऐसे शोबेज हैं जहां पे अप्लाई करके स्टूडेंट जो अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी हमारे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया, लाजमी इसको ज्वाइन करें ताकि ग्रुप ज्वाइन करें। इससे आपको जॉब्स, फर्स्ट पेपर, गेस्ट पेपर, यूनिवर्सिटीज अपडेट, यूनिवर्सिटीज एडमिशन आपको डेली बेसिस पे आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।